खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 दिन से हड़ताल में बैठे सचिव और रोजगार सहायक संघ हर दिन अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रही हैं। संयुक्त संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायतों में काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल में बैठे संयुक्त संघ ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। संघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित किए तरीके से हम सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हल्ला बोला गया, जिसमें ढोल नगाड़े टीपा को बजाकर गीत गाए गए। संयुक्त संघ की मांगों को कांग्रेस नेता जनपद धर्म जयगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष कनस राम राठिया ने भी समर्थन दिया है। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी संगठन व भाजपा ने भी इनकी मांगों का हड़ताल स्थल में जाकर समर्थन किया है, लेकिन सरकार द्वारा इनके मांगों को अनसुना कर दिया गया है, जिस कारण आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी हो रही है। सचिव एवं रोजगार सहायकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर पंचायतों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है और आम जनता का सीधा जुड़ाव रहता है। आम जनता का कुछ भी काम इनके बिना नहीं हो सकता। सचिव संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। भरत लाल साहू की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।